आइसक्रीम नहीं दी मैंने आपको। दिल मैंगो मैंगो हो चुका है। मैंगो उत्सव 2024। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज। कौन सा चैलेंज? जो हमारी YouTube फैमिली हमें सजेस्ट करती हैं। वो तो बहुत सारे चैलेंजेस सजेस्ट करती हैं। हाँ, तो उनमें से मैंने आज एक चैलेंज पिक कर लिया है। कौन सा? ईटिंग मैंगो चैलेंज। ओ वाओ, क्योंकि समर सीजन चल रहा है और समर सीजन का ऑलमोस्ट सबका फेवरेट फ्रूट होता है मैंगो। और YouTube फैमिली ने सजेस्ट भी किया है कि ये वाला चैलेंज आप लेकर आओ हमारे लिए, तो फिर ये चैलेंज तो बनता ही है ना, समर स्पेशल। बात तो सही है। आज हम इस चैलेंज में सिर्फ मैंगोज ही नहीं खाएंगे, मैंगो फ्लेवर की, मैंगो से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंगोज मायरा का भी फेवरेट फ्रूट है। आप में से किन किन का फेवरेट फ्रूट है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मायरा अभी उठी है, मुझे एक घंटा हो गया उठे हुए और मैंने मैंगो फ्लेवर का बहुत ही यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। Smaira is ready to eat mango flavor breakfast. So here is your breakfast. ये तो इडली है, सिंपल इडली। लेकिन अगर मैंगो इडली होती तो ये येलो कलर की होती। जरूरी थोड़ी ना, आप खाकर देखो आपको पता चल जाएगा कौन से फ्लेवर की इडली है ये। अरे ये क्या है? ओ, पापा को पता चल गया। स्टफिंग मैंगो की करी हुई है। पर आपने ये करा कैसे? करा कैसे? पहले आप टेस्ट करके मुझे रिव्यू दो, फिर मैं आपको बताऊंगी। दिखाना बाइट में मैंगो है। हाँ देखो, मैंगो आया ना। अब ये है मैंगो इडली या फिर व्हाइट इडली है? प्लेन मैंगो इडली। और चटनी भी बताओ मुझे। मैंगो चटनी। मैंगो चटनी टेस्ट करो। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। कैसी लगी मैंगो इडली? फिर मैं नहीं बताऊंगा। अच्छी है ना? तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको बनाया कैसे। आज आपको पूरा दिन मैंगो फ्लेवर की डिशेस खाने को मिलेंगी। अभी टेस्ट करूं? हाँ बिल्कुल करो। खट्टी मीठी। खट्टी मीठी है क्योंकि मैंगो जो मैंने इसके अंदर ऐड किया ना, वो मैंगो ही खट्टा मीठा था, इसीलिए वही फ्लेवर आ रहा है। आपके लिए भी ले आऊं क्या? मैंगो इडली खाकर तो बहुत ज्यादा मजा आया। और कभी आपने मैंगो इडली ट्राई की है? अगर नहीं की है तो जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और लगता है आज का चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। चलो अब मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर हम देखते हैं कि मम्मा मुझे नेक्स्ट राउंड में क्या देती है। स्मायरा और स्मायरा के पापा दोनों टीवी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे आ गया है इनका मैंगो। क्या ये? ये अकेला मैंगो नहीं है, ये मैंगो बर्गर है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसके लिए ये? आप दोनों के लिए। स्मायरा तो टूट पड़ी है। स्मायरा बताना इसके अंदर क्या क्या है। मजा आया। इसके अंदर तो सारी मेरी फेवरेट चीजें हैं। वाओ, क्या क्या है बताओ ना। मैंगो है, डेरी मिल्क है, स्मायरा को हर चीज का टेस्ट आ गया। कैसा है फिर बर्गर? ये तो बताओ, खाए जा रही है? अरे हर्षित भी है। मैं सोच रही थी ये भूल गई है कुछ तो। मेरे लिए नहीं बनाया आपने? इतना बड़ा बर्गर है, स्मायरा से खाया जाएगा? फ्रेंड्स, दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ, दिल मैंगो मैंगो हो चुका है क्योंकि जिंदगी में कभी भी मैंने ऐसा बर्गर नहीं खाया है और मम्मा ने इतना टेस्टी बर्गर बनाया है। और मैंगो के साथ लोटो चोको पाई का जो टेस्ट है ना, वाह 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 वाह। और आपने पापा को भी नहीं अच्छे से खिलाया ना, तो मैं पापा के लिए एक डिफरेंट मैंगो बर्गर लेकर आई हूँ। मुझे भी खाना है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ऐसे कैसे खाना है? इतना बड़ा बर्गर था, आपका पेट नहीं भरा अभी तक? चलो पहले पापा को खिलाते हैं मैंगो बर्गर। ये पाव है। बाजी नहीं है ये पाव तो है। मैंगो पाव लग रहा है। हाँ, मैंगो पाव बोल सकते हो इसको। अच्छा, मम्मा ने इसमें मैंगो की स्टफिंग करी है और चीज की स्टफिंग। अब बताओ मेरे को कि कैसा टेस्ट है इसका।
दोनों में से कौन सा बर्गर ज्यादा अच्छा लगा था आपको? ये वाला। ओके यूट्यूब फैमिली, आपको कौन सा अच्छा लगा आप भी हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्रेड का फ्लेवर आ गया ना, इसीलिए इनको अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, लंच टाइम हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मम्मा लंच में हमें क्या देंगे, वो भी मैंगो फ्लेवर का। मम्मा लंच बना या नहीं? बस बन गया, 2 मिनट में आ रही हूँ। पेट में चूहे कूद रहे हैं। इतना कुछ सुबह से खा लिया फिर भी चूहे कूद रहे हैं। अरे वो क्या है ना, पेट नहीं भर रहा हमारा। ये लो, अब भर जाएगा। ये तो डोसा है। हाँ है तो ये डोसा ही, लेकिन ये मैंगो फ्लेवर का डोसा है। हाँ, ये देखने पे मैंगो फ्लेवर का डोसा नहीं लगेगा, खाने पे पता चलेगा। और ये मैंगो मसाला डोसा है। ये क्या है? ये मसाला है और ये आपकी चटनी है। चटनी है? हाँ, टेस्ट करके बताओ जरा चटनी कैसी है। क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ खा के बताओ ना। क्या है? क्या चटनी तो बहुत ज्यादा यम्मी है। आप बताना कि आप टेस्ट करो ना, आपको खुद पता चल जाएगा। और बताना ये चटनी मैंने कैसे बनाई है। ओके मजा आया। वाह कैसे बनाई है बताओ, क्या क्या ऐड किया इसमें? ये तो फ्रेंड्स आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम। यस, तो डोसे के साथ चटनी नहीं खानी, क्योंकि चटनी आपने इडली के साथ ऑलरेडी खा ली है, आपको टेस्ट उसका पता चल गया है, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। यस, चलो अब डोसा टेस्ट करो आइसक्रीम चटनी के साथ और मुझे बताओ कैसा बना है। और कलर मैंगो जैसा नहीं आया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पल्प ऐड किया था फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि ज्यादा मीठा डोसा नहीं खाया जाएगा इसीलिए। आइसक्रीम के साथ मैं पहली बार डोसा खा रही हूँ। क्यों पहली बार खा रहे हो? आपने पहले भी एक बार खाया था, हमने एक चैलेंज किया था ना, चॉकलेट चैलेंज, उसमें खाया था। सो डिलीशियस। मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ, पहले मैंने एक ही बनाया कि ये टेस्ट करके बताएं कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा बना है। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ना इस तरह की डिशेस बनाना, तो अगर अच्छा ना बने तो इतने सारे मैं बना दूं तो वो वेस्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने एक बनाया कि ये दोनों टेस्ट करेंगे, बताएंगे, अगर अच्छा बना तो फिर मैं और बनाऊंगी। तो सुमैरा आपको अच्छा लगा? बहुत ज्यादा, सच में ऑथेंटिक फूड लग रहा है मुझे तो। हाँ, और अब पेट भी भरेगा इससे, अब भले 3-4-5 जितने बोलोगे मैं उतने बना दूंगी, खा लेना आराम से। तो सुमैरा कैसा लग रहा है आपको मैंगो चैलेंज करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पसंद आया आपको मम्मा ने सुबह से जो भी बनाया है? बर्गर। कौन से वाला, पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। दूसरे वाला। और मुझे पहले वाला। और कुछ भी अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं। देख लो क्या कह रही है, मम्मी की हालत खराब हो गई है, सुबह से मम्मी उठी हुई है, लगी हुई है इसको चैलेंज करवाने के लिए, तो बोल रही है कि मुझे तो बस सेकंड वाला बर्गर, और खाए इसने 3 डोसे। कैमरे में कितने दिखाए आपको इसने? ये देखो कैसे 32 ही दिखा रहा है ससुरा। ही मत कर। सुमैरा की मम्मी, आपने हमें कुछ पीने के लिए नहीं दिया, कोई लस्सी नहीं दी आपने, कोई आपने मैंगो शेक नहीं दिया, मैंगो जूस नहीं दिया। अरे वो तो आप पीते रहते हो, माजा पीते रहते हो, मैंगो शेक डेली हमारे घर पे रात को बनता है, और वैसे भी ये ईटिंग मैंगो चैलेंज था। अरे वो उसी का ही पार्ट होता है। यस, और इवन कि आपने डेजर्ट नहीं खिलाया। अगर पीने की बात आ रही है कि ईटिंग चैलेंज है, पीना चैलेंज नहीं है, तो फिर आप डेजर्ट खाने के लिए दो ना। ये फंस गया। आइसक्रीम नहीं दी मैंने आपको डोसे के साथ? दी थी, ऐसी चटनी दी थी। अरे आपको मैंने नाम उसका चटनी रखा था, थी तो वो आइसक्रीम ना थी, आइसक्रीम। लेकिन आपने यहाँ पे क्या बोला था? क्या बोला था? कि आपने सुबह चटनी खा ली है, अब आप ये आइसक्रीम खाओगे ऐसी चटनी। हाँ तो ऐसा चटनी बोला था, ऐसे तो नहीं बोला था कि ये है ही चटनी। लेकिन आपने बोला था ना स्टार्टिंग में जब हम। चलो छोड़ो, जितना मर्जी कर लो, इनके लिए इन्होंने प्रेज नहीं करनी है, अपनी गलती है ना, आप कुछ कह नहीं सकते। क्या मेरी गलती है? YouTube फैमिली आप बताओ कि मैंने गलत किया इनको कुछ मीठा ना खिला के, या फिर लस्सी जूस कुछ ना देकर? सुबह से मैं लगी हूँ अकेली सब कुछ बनाने के लिए। सुबह से हमारा गला भी सूख गया है। सुबह ज्यादा मत बोल, बहुत हो रहा है तेरा, बहुत हो रहा है। क्या बहुत हो रहा है? अभी हाफ डे हुआ है, हमने सिर्फ लंच किया है, अभी आधा दिन बीता है, आधा बाकी है, तो आप वेट तो करो कि सब कुछ लंच तक खत्म कर लोगे, बस शाम के लिए कुछ छोड़ना ही। अच्छा, नहीं आपने means, हमें शाम को कुछ मिलेगा सुमैरा, वेट करो। हाँ अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद बात करना आपको पीने के लिए चाहिए या खाने के लिए चाहिए, फिलहाल तो मेरी हिम्मत नहीं है। बस हवा निकल गई।
ठीक है काम करते हैं, शाम को कहीं बाहर चलते हैं। अब आए ना लाइन पे। इससे मम्मा को छुट्टी मिल जाएगी और कुछ बाहर की मैंगो डिशेस हम ट्राई कर लेंगे। ये अच्छा आइडिया है, बात तो सही है। मम्मा खुश हो गई। हम तो इतने में खुश हो जाते हैं। तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर शाम को चलते हैं मार्केट में और अपना बाकी का चैलेंज कंप्लीट करते हैं। आपने बोला था ना कि आपने कुछ मीठा नहीं खिलाया और हम अभी रेस्ट करके उठे हैं, मुझे तो नींद आ गई थी पता ही नहीं चला। और मैंने सुमायरा के लिए कुछ स्पेशल मैंगो फ्लेवर का बनाकर रखा था, इसलिए इसको नहीं दिया क्योंकि उसको बनने में थोड़ा टाइम लगना था। और ये है मैंगो आइसक्रीम, मिनी आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर की है। ये सिर्फ मैंगो फ्लेवर की है, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं, इसमें स्प्रिंकल्स ऐड हैं। ये देखिए सुमायरा खाती है बहुत अच्छे से। और ये चोको चिप्स ऐड हैं इसमें। मजा आया, टेस्टी। और मैं ट्राई करूंगी ड्राई फ्रूट्स वाली। मजा आया। अब आपको ये तो बोल नहीं सकती कि टेस्ट करके बताओ इन चारों में से कौन सी आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी है। आप इनकी शक्ल देखकर ही बता दो कि अगर आपको मैं ये आइसक्रीम देती तो आप कौन सी खाते। ये खा के फिर हम रेडी होते हैं। सुमायरा के पापा ने बोला था शाम को बाहर चलेंगे, अब बाहर की मैंगो आइटम्स ट्राई करेंगे। Later. हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और हमने आपको बोला था कि मार्केट में हम मैंगो फ्लेवर की बहुत सारी आइटम्स ढूंढेंगे, लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसा प्लेस मिल गया है और वहां पे लिखा हुआ था मैंगो उत्सव 2024। तो सुमायरा के पापा ने वहीं पे गाड़ी रोक ली, हमने पार्किंग ढूंढी और हम उस प्लेस पर आ चुके हैं। और हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है, अभी हमने जस्ट एंटर किया है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्पेशल है, आपको दिखाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि मैंगो रिलेटेड कितनी आइटम्स हमें यहाँ पे मिल पाती हैं और फिर हम करेंगे उनको एंजॉय। यहाँ पे मैंगो भाजी रेडी हो रही है और हर एक काउंटर पे बहुत ही लंबी लंबी लाइन है, बट टेस्ट करना तो बनता ही है। तो सुमायरा के पापा ले आए हैं यहाँ पे मैंगो राइस, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। और क्यू में पापा लग रहे थे कितनी देर बाद बारी आई है हमारी, पता नहीं हम बाकी के आइटम्स कैसे ऑर्डर कर पाएंगे। और क्या है साथ में, और ये है मैंगो केसरी बात, मैंगो हलवा। सुमायरा क्या खाएगी, सुमायरा राइस खाएगी और मैं खाऊंगी मैंगो हलवा। फिर टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि दोनों का टेस्ट कैसा है। कैसे हैं? अच्छे हैं बट थोड़ा स्पाइसी है। और मंगवा दूं मैंगो फ्लेवर की। अब मैं टेस्ट करती हूँ मैंगो हलवा। यम्मी है, पहली बार खाया हमने। नेक्स्ट आइटम के लिए सुमायरा के पापा क्यू में लग गए हैं। यहाँ पे मसाला पापड़ है और पोटैटो ट्विस्टर है, तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। है तो ये पोटैटो ही लेकिन मैंगो फ्लेवर की। लग ही नहीं रहा है कि मैंगो के बनाए हुए हैं, हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, ज्यादा मैंगो का फ्लेवर नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं तो ये मीठे लगते ना और उसका टेस्ट नहीं आना था। तो इन्होंने क्रंची क्रंची रखे हैं, ऊपर मसाला भी लगाया है, बहुत यम्मी। अंधेरा हो चुका है फिर भी इतना क्राउड है, लोग लगे हुए हैं क्यू में। और सुमायरा के पापा यहाँ पे जूस वाली क्यू में लगे हैं क्योंकि उनको जूस पीने का मन हो रहा था। अब आ गई है सुमायरा की मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, टेस्ट करो कैसी है। लस्सी कुड़ी थी। यम्मी। लस्सी कुड़ी थी। सुमायरा के पापा अभी तक जूस की क्यू में लगे हुए हैं, तो एक आइसक्रीम का कप मैंने उनको भी दे दिया है। मैंगो लस्सी है ये, पी लो कोई बात नहीं। ये है मैंगो जूस, जूस के अंदर मैंगो के पीसीज हैं, दिखाओ पीसीज हैं क्या। हाँ मैंगो के पीसीज हैं, साथ में क्रीम है। मायरा ने मिक्स करके मैंगो शेक बना दिया, इसका टेस्ट भी मैंगो शेक जैसा ही है, जूस बिल्कुल भी नहीं है। ये है मैंगो ब्राउनी, ये भी मैंगो ब्राउनी और ये मैंगो रबड़ी है। ब्राउनी को इसमें डिप करके खाना है। और मायरा के पास है मैंगो बन, अब एक क्यू में जुमायरा लग के लेकर आई है मैंगो भाजी की दो प्लेट्स। चलो मैंगो भाजी टेस्ट करते हैं कैसी है, पहली बार खाएंगे हम ये भी। और ये
ये भाजी है और ऊपर इन्होंने अनियन की गार्निश की हुई है, मसाला भी है साथ में। मैंगो उत्सव से हम घर पे आ चुके हैं और वहाँ पे मैंगो फ्लेवर की जितनी भी आइटम्स अवेलेबल थी सारे तो हम टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, एक एक आइटम के लिए इतनी लंबी लंबी लाइंस। तो जितना पॉसिबल हुआ उतना हमने ऑर्डर करके उन आइटम्स को एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। सिर्फ 3 फीडबैक्स बुरे हैं इस प्लेस के, पार्किंग नहीं थी, वॉशरूम थे लेकिन पानी नहीं था, और तीसरा नेटवर्क नहीं था कि अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हो वहाँ पे, जैसे स्मायरा के पापा क्यू में लगे हुए थे तो हम फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहाँ पे हो, कितना टाइम लगेगा, तो बात ही नहीं हो पा रही थी। तो बाकी सब कुछ अच्छा था, आइटम्स का टेस्ट जो था वो बहुत ही लाजवाब था, हर एक आइटम यूनिक थी अपने आप में। होप आपने भी हमारे आज के चैलेंज को एंजॉय किया होगा। तो सुबह से लेकर अब तक हमने मैंगो फ्लेवर का जो भी खाया है उनमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।